फिल्म यारियाना रिलीज થઈ હતી, જેને બોક્સ ઓફિસ પર જોરદાર રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. હવે 9 વર્ષ બાદ મેકર્સ તેનો સિક્વલ્સ ને લઈને આવી રહ્યા છે. આર્યાના આર્યા 2 આ ફિલ્મમાં ડ્રામા, કોમેડી, લવ બ્રેકઅપ બધું જ જોવા મળશે. દિવ્યા ખોસલા, કુમાર, મિઝાન જાફરી, પલ્લવી પુરી આ ફિલ્મના સ્ટાર અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા હતા, જ્યાં તેમણે ગુજરાત ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી અને નવરાત્રિમાં ગરબે પણ ઝૂમ્યા. યારિયા ફિલ્મ કે જે સુપર હિટ રહી હતી, લોકોને ખૂબ જ પસંદ આવી હતી, હવે 9 વર્ષ પછી ફરી એક વખત એ જ ફિલ્મની સિક્વન્સ યારિયા 2 આવી રહી છે, કે જેમાં ટ્રેલરમાં આપે જોયું છે કે આપને ધમાકેદાર એક્ટિંગ, ઇમોશન્સ, કન્ફ્યુઝન, ડ્રામા બધું જ જોવા મળી રહ્યું છે. ટ્રેલર પછીથી જ આપણે બધા રાહ જોઈ રહ્યા છે કે આ ફિલ્મ ક્યારે આવશે. 20 ઓક્ટોબરે આ ફિલ્મ તો રિલીઝ થઈ રહી છે, પણ રિલીઝ થતાં પહેલાં આ ફિલ્મ વિશે વધુ જણાવવા માટે આ જ ફિલ્મના સ્ટાર્સ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દિવ્યા ખોસલા, કુમાર, પલ્લવી પુરી એન્ડ મિઝાન જાફરી, વેલકમ ટુ ગુજરાત ન્યૂઝ. થેન્ક યુ ફોર હેવિંગ અસ. થેન્ક યુ સો મચ. કેમ છો ગુજરાત? कैसे हैं आप लोग? एकदम गुजराती के लिए, मतलब नवरात्रि के टाइम पे आए हैं तो हम गुजराती में भी काफी बात करेंगे, लेकिन पहले फिल्म के बारे में बात करते हैं. दिव्या जी, क्या अलग देखने मिल रहा है काफी टाइम के बाद यारियां के बाद यारियां 2, पहले फ्रेंड्स अब कजिन्स, और क्या अलग देखने मिलेगा? सो बेसिकली यारियां 2 जो है वो कज़न्स की यारियां के ऊपर है, और आज तक हिंदी फिल्म पर्दे पे कज़न्स की दोस्ती यारी कभी नहीं दिखाई, और हम अपने कज़न्स के साथ ग्रो अप होते हैं, उनके साथ बड़े होते हैं, तो बहुत हम तीनों कज़न्स प्ले कर रहे हैं, और हमारा क्रेज़ी बॉन्ड है जैसे कि जेंजी जनरेशन का होता है. हम बहुत सारी मस्ती करते हैं, मेरे कज़न्स मुझे बिगाड़ते भी हैं, अच्छा एडवाइस भी देते हैं, और बहुत दोनों बहुत बहुत नॉटी हैं, तो बहुत मज़ा आएगा सबको. बहुत सारी कॉमेडी है पिक्चर में, बहुत एंटरटेनमेंट है, ड्रामा, इमोशन, लव, रोमांस, हार्टब्रेक सब कुछ है. एंड फिल्म में इट्स अबाउट ग्रोइंग अप, हम तीनों कैसे ग्रो अप होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं. सो आई थिंक कि हमारे जो इंडिया का कल्चर है उससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली अपने कजन्स के साथ ग्रो अप होते हैं. आजकल क्या हो गया है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियों में चले जाते हैं, तो बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है. तो आई थिंक फिल्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ेगी कि हमें कैसे रिश्ते ज़िंदगी भर निभाने चाहिए, और सब लोग पिक्चर देखने के बाद पहला कॉल अपने कज़न्स को करेंगे. सो आई थिंक इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया. आपका खुद का फ्रेंड्स के साथ और कज़न्स के साथ का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है? बहुत बहुत अच्छा रहता है. जैसे कि मैंने बताया कि हम अभी अपने अपनी लाइफ्स में बिजी हो गए हैं, तो ओकेजनली मिलते हैं, बट आई थिंक हमें ये बॉन्ड हमेशा बहुत संभाल के रखना चाहिए, बिकॉज ये वो बॉन्ड है जो हमें बचपन से हमारे साथ होता है, तो एवरीबडी विल रियली रियली रिलेट टू दिस. मिज़ान जी से भी जानेंगे कजिन्स के बारे में और ये स्टोरी के बारे में, आपके रोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहला एक यूनिक सब्जेक्ट है जो हिंदी फिल्मों में दर्शाया नहीं गया अभी तक. एंड ये जो कज़िन्स की कहानी है इतनी स्पेशल है, इतनी अलग है, बिकॉज ये जो तीनों कज़िन्स हैं बहुत ही अलग हैं, बट आई थिंक उनके अलग होने में ही उनकी एक यूनिटी है, और वो एक जो खूबसूरती है वो आई थिंक कहीं ना कहीं हर एक इंसान हर एक कज़िन से रिलेट करेगा. उसका जो बोलने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, जो ज़िंदगी जीने का तरीका है. एंड उसके अलावा मेरा जो किरदार है उसका नाम है शिखर रंधावा. शिखर जो है सबसे यंगेस्ट कज़िन है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो जेन जी से ज़्यादा रिलेट करता है. एंड ये एक डर्ट बाइक रेसर है जो मुंबई आता है, एंड एक फूड डिलीवरी आप के लिए काम करने लगता है, एंड अपने कज़िन्स के साथ रहता है, और कैसी उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, कैसे उसे प्यार हो जाता है मुंबई शहर में एक लड़की से, और कैसे उसकी कज़िन उसकी ज़िंदगी में, उसके काम में, और उसकी लव लाइफ में उसकी हेल्प करते हैं, और उसे मैच्योर करते हैं, और आगे ज़िंदगी में लेके जाते हैं. जी बिल्कुल. अभी और पल जी, यहाँ पे अगर कज़िन्स की बात हो, स्टोरी की बात हो, तो इंडियन कल्चर में हम हमेशा देखते हैं कि लव हो, ब्रेकअप हो, या कुछ भी हो, कज़िन सबसे पहले याद आते हैं. तो आपके साथ भी ऐसा है? 100% मेरे साथ ऐसा है, क्योंकि कज़िन्स वो लोग होते हैं जो हमें बचपन से जानते हैं, तब से जब से हम खुद को जानते हैं, जब से हमने होश संभाला होता है, वो हमारी रग रग से वाकिफ़ होते हैं. हमें ऐसा लगता है कि यार कोई जाए आए, ये रिश्ते तो ऐसे हैं जैसा कि दिव्या ने भी लास्ट टाइम कहा था कि ये ईश्वर की तरफ से दिए गए हैं, हमने नहीं खुद बनाए. हम जो खुद रिश्ते बनाते हैं उनके लिए हमें लगता है थोड़ा बहुत, पर ये तो ऐसा है कि जैसे हमारे साथ है, हमारा हाथ है, हमारा पैर है, वैसे हमारे कज़िन्स हैं जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहने वाले हैं. लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश भी करना चाहूँगा साथ साथ कि आज की दौड़ में या आज की ज़िंदगी में, चलती
ज़िंदगी में जो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी डिवेट हो जाती हैं अपनी फैमिली से, फैमिली को ना भूलें, फैमिली को और कज़िन्स को ना भूलें, क्योंकि जैसे सिबलिंग्स भी हैं फॉर दैट मैटर, हम लोग कज़िन्स प्ले करें लेकिन ये हम लोग कोई रियल ब्रदर सिस्टर से कम नहीं है। जितना हम लोग बॉन्ड है हमारा जो, वो ऐसा है जो अटूट बंधन जैसा होता है कि भाई अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी या सबसे बड़ी कोई भी खुशी होगी तो हम लोग सबसे पहले एक दूसरे को याद करेंगे। ऐसा ही हो सकता है और ये कमाल का बॉन्ड आप लोगों का भी बन सकता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश कीजिए 20 अक्टूबर को हमारी फिल्म देखने आने की। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में ये कहूँगा, बजरंग मेरे कैरेक्टर का नाम है, ये लोग प्यार से मुझे बज्जू बोलते हैं, बहुत ही इनोसेंट का है। आप सभी लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल आप जैसा है। लोग जनरली वेट लूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए, ये मेरा डेब्यू था, मैंने वेट गेन किया है कैरेक्टर के लिए, जिससे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल लगूँ, जिसमें ऐसा ना लगे कि यार ये फिटनेस फ्रीक है या कुछ भी है, बिकॉज आई एम। एंड मैंने XXL XXL शर्ट्स पहनी है अपनी बॉडी को बिल्कुल छुपाने की, और मतलब ये करने के लिए मैं चाहता हूँ जब आप थिएटर में जाएँ तो आप ये भूल ही जाएँ कि ये पोलवी पूरी है, आपको ये लगे कि ये बजरंग है, ये बज्जू है, और आप सब उसी के साथ कनेक्ट कर पाएँ। मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूँगा कि ये 2 घंटे 20 मिनट जो आपकी ज़िंदगी के होंगे, जो आप हमें देंगे प्रीशियस निकाल के, वो डेफिनेटली वर्थ वाइल होंगे, आप बहुत इन्जॉय करेंगे उन्हें, और आपको ज़रूर थिएटर से निकलने के बाद मन करेगा यार एक बार कज़िन को या सिबलिंग को फ़ोन तो कर लूँ, कैसा है यार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे लोगों को जो शायद कज़िन से बहुत टाइम नहीं भी मिले होंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कई बार कुछ मनमुटाव भी हो जाता है तो वो भी दूर होगा ये मूवी देख के। दिव्या जी, ऑफ स्क्रीन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। हम फिल्म में ट्रेलर में देख रहे हैं धमाल देखने मिल रही है, आप लोगों से बात करके के भी लग रहा है कि आप भी आपस में अब काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ऑफ स्क्रीन कितना मज़ा आया साथ में काम करके, कैसी कैसी बॉन्डिंग देखने मिली, और कितना मज़ा आया खास करके शूटिंग टाइम पे, कहीं बाइक चलाते हुए दिख रहे हैं, कहीं आपको भगाते हुए ये दिख रहे हैं। तो તો સમાચારની રજૂઆતમાં બસ આટલું જ, બધું સમાચાર માટે આપ જોતા રહો।